कैसी है मियाँ जी? आप हमसे बहुत बड़ी हैं, इसलिए हम प्रणाम कर लिए। नहीं नहीं रुकिए, आप रुकिए रुकिए, अभी हम आपको छोड़ेंगे नहीं। निकाल दे विकास कुमार। विकास सर, सॉरी आदित्य सर। उम्मीद है सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, हम भी ठीक ठाक है क्योंकि मेरे साथ आप लोग जैसे बहुत अच्छे अच्छे सपोर्टर्स हैं और ऊपर वाले का आशीर्वाद है तो अभी तक सब कुछ बढ़िया बढ़िया है। गाइस अभी अभी जस्ट हम पहुंचे पटना और ये है पटना का रेलवे स्टेशन। यार फर्स्ट टाइम ऐसा है कि हम सोलो ट्रैवल कर रहे हैं और मेरे लिए तो बहुत एक्साइटमेंट वाला ये चीज़ है। और ट्रेन जस्ट अभी खड़ी है और पता है मेरा तो थर्ड एसी था और सुबह में नींद खुला ना यार तो वो जनरल डब्बा बन गया था, इतना लोग यहाँ पे भर चुका था। फिलहाल अभी हम यहाँ से लेने वाले ऑटो यहाँ से निकल के हनुमान मंदिर के साइड इस साइड। अच्छा तो यार देखिए हमको कुछ नहीं पता है कि मतलब किस साइड जाना है क्या, कुछ भी नहीं। बहुत फर्स्ट टाइम है ना और वहाँ जो फंक्शन होने वाला है उस पे उसका टाइम भी हो गया है, हमको फटाफट से जा करके रेडी होना होगा। तो पहले यहाँ से निकलते हैं और लेते हैं ऑटो। यार उतना दूर से तो हम चल के आ गए, अभी सबसे डेयरिंग जो है ना सबसे डेयरिंग है वो है ये, और हमको बिल्कुल यहाँ इससे जाने का मन नहीं करता, बिल्कुल नहीं भी, हमको इससे बिल्कुल जाने का मन नहीं हो रहा है। एक मिनट एक्सक्यूज मी, यहाँ से अगर हम इस साइड से जाएंगे तो हम हनुमान मंदिर निकल जाएंगे। हाँ मतलब इधर से नहीं, सीधे से जाएंगे तो निकल जाएंगे, इससे जाने का जरूरत ही पड़ेगा ना। यार बहुत डेयरिंग है, एकदम अजीब। अभी हम रुके निकलते हैं, पहले हम पूछते हैं भैया एक बात बताइए, यहाँ से सीधे निकलेंगे तो हनुमान मंदिर पहुँच जाएंगे? इधर ही से जाना पड़ेगा, नहीं नहीं हमको इसे जाना ही नहीं है। अच्छा हम इससे तो सीढ़ी से तो जा ही सकते हैं, झुका हुआ है। थैंक यू। नहीं नहीं तो हम इससे तो जा सकते हैं। यार देखिए मतलब ये भैया है ही बोल रहे हैं चला दे आपको, और हम इतना डरते हैं इससे नहीं भैया, नहीं हम उससे डरे, वो तो हाँ वो रुका हुआ है। हाँ सही है यार कच्चा। अच्छा हम भी कोशिश कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में नहीं आना चाहिए, नहीं होगा ये उल्टा चालू नहीं ना हो जाएगा। यार ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यार मेरे लिए, हमको ना इससे इतना ज्यादा डर लगता है, इतना ज्यादा हम हर चीज फेस कर सकते हैं, हम इसको नहीं फेस कर सकते हैं और एकदम मन ही नहीं होता है। भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। यार गजब यार, हनुमान मंदिर इधर नहीं गया क्या? यार फर्स्ट टाइम अकेले ट्रैवल करना, लेकिन अच्छा है ये सारा ना, अगर आदमी ज्यादा स्ट्रेस में हो तो सारा पैसा नहीं है तो जनरल बोगी में ही, लेकिन निकल जाओ ट्रैवल के लिए। थोड़ा ऑकवर्ड तो लगता है लेकिन मस्त है। ये रहा मेरा ट्रॉली जो हम अकेले खिसते खिसते ले जा रहे हैं और फटाफट से निकल रहे हैं, पहले ऑटो लेते हैं। तो यार निकल गए रेलवे स्टेशन से बाहर और ऑटो भी मिल गया,
ऑटो वाले भैया बोले यार 150 लेंगे, हम बोले ठीक है चलिए कोई बात नहीं हम 150 देंगे। वैसे तो बिना भी बोली हुई थी कि आइएगा तो हम गाड़ी भेज देंगे, लेकिन पता चला वो बहुत बिजी हैं। अरे 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 आराम से यार, फर्स्ट टाइम पता है वो वंदे भारत से हम यहाँ पे आए थे, उसके बाद अकेले तो कभी आए नहीं, ये फर्स्ट टाइम है मेरा। और हमको बड़ा मजा आता है ऐसे ब्लॉग बनाते बनाते कहीं भी जाना। ये सामने रहा हनुमान मंदिर, शायद इसी मंदिर के बारे में ना मेरे सब्सक्राइबर्स हमको बोले हुए थे, हम रिटर्निंग टाइम पक्का यहाँ पे दर्शन करेंगे। ये रहा हनुमान मंदिर, यार पता है मतलब अलग वाले जगह पे ना थोड़ा लगता भी है कि कोई ठीक है। आइए तो भैया ट्रॉली यहाँ रख दिए हैं, बोले आते हम गाड़ी लेकर यहाँ, बोले आइए। थोड़ा सा ना अलग वाले जगह पे ना लगता भी है कि कोई ट्रॉली सब लेकर भाग नहीं जाए, लेकिन नहीं ऐसा तो लोग नहीं करेगा। लगता है यहाँ पे बारिश हुआ है, पूरा भींगा हुआ है, मेरा हालत खराब लग रहा होगा क्योंकि अभी जस्ट उतरे हैं हम ट्रेन से, फटाफट से जा रहे हैं अभी होटल और पहले फ्रेशन अप होते हैं। मतलब हम जमशेदपुर तक तो गए हैं जब हम पढ़ाई करते थे जमशेदपुर में, अकेले आना जाना होता था मेरा, लेकिन ऐसे पटना वटना नहीं आए हैं। निकलते अभी फटाफट से होटल। तो गाइस अपने डेस्टिनेशन पे हम पहुंच गए हैं और जो फंक्शन होने वाला है वो आज यहीं पे होने वाला है, और ये पूरा बोर्ड वोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, ये स्माके बाजार के अंदर है। हुँ. ये बिग बाजार से प्रसिद्ध है, पहले बिग बाजार था इसी। अच्छा ठीक है, तो अभी पहुँचते हैं अंदर और पहले कॉल करते हैं सर को। यहाँ का जो ये है ना इंटीरियर बड़ा सुंदर है यार। पहले तो हम बात करते हैं। नमस्कार, हेलो, क्या नाम है आपका? हाय। तो गाइस अभी ना पहले हम पता करते हैं कि किस रूम नंबर में मेरा रूम है, उसके बाद रेडी होकर के मिलते हैं। तो गाइस गेस व्हाट, किससे मिल रहे हैं हम, यहाँ पे सामने में बैठी हुई है वीना दी। कैसी है वीना दी? आप हमसे बहुत बड़ी हैं इसलिए हम प्रणाम कर लिए, और वीना दी को देख करके ना लाइव हम ऐसे देख करके बहुत खुश हुए यार, क्योंकि आज तक अगर कुछ देखे ना तो YouTube में थोड़ा कंट्रोवर्सी इधर उधर ये वो वही सब वो सब तो होते रहता है। सही बात है। आपका नाम दीदी? रीता गुप्ता, बनारस जिला अध्यक्ष। अच्छा वाह, ये है रीता दी और दी से दी है राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। हेलो, क्या नाम हुआ आपका? निशी दी। हेलो, तो गाइस फीलिंग आगे बढ़ने का यही तो फंडा है। हाँ, थोड़ा जब तक कंट्रोवर्सी नहीं आएगा तब तक आपको पुश नहीं मिलता है, जरूरी है। हाँ, तो यहाँ पे ना कुछ जरूरी डिस्कशन वगैरह हो रहा है और हम रूम देख लेते हैं कि मेरा रूम है कहाँ पे, थोड़ा हम फ्रेशन अप हो लेते हैं। और सही है यहाँ का लोकेशन वगैरह यार, मतलब इंटीरियर वगैरह सही है, जो होटल हुआ है वो भी बहुत सही हुआ है। यार होटल तो मस्त है, मतलब होटल भी मस्त है, कुछ मेंबर्स से हम मिले वो भी मस्त है, ओवरऑल मेन क्या है ना कि वीना दी मस्त है, तो उनके मेंबर्स तो उनके मेंबर्स को मस्त रहने ही है यार। ये है क्या हम लोग का कमरा? 11:10। अच्छा, दो कमरा अलॉट हुआ है कि आपके पास है ना? ये रहा हम लोग का रूम। अच्छा, हम भी ये हो गए, हम भी पूछ रहे हैं ये कैसे कार्ड दे रही है। जी ये 10 है।
सही है, पहले तो फ्रेश होते हैं क्योंकि रात भर ट्रैवल करके आए यार। डाल्टनगंज डाल्टनगंज पलामू। आप लोग सब मुजफ्फरपुर से है ना? मुजफ्फरपुर से। तो गाइस यहाँ पे जितने लोग है ना, लगभग लगभग हर स्टेट से है यहाँ पे लोग। नहीं नहीं रुकिए, आप रुकिए रुकिए, अभी हम आपको छोड़ेंगे। डाल देगी गति में, यूट्यूब पर डाल देती है। गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन है? हम फर्स्ट टाइम, मेरा जिनसे कुछ कनेक्शन हुआ था, कनेक्शन इन द सेंस कि हम फर्स्ट टाइम डाल दीजिए कनेक्शन। वैसे भी हम सिंगल है लोग भी। अरे सर कहाँ भाग रहे हैं यार, देखिए ये तो लगता है कि कितने बड़े शर्मीले हैं यार, एकदम भाग गए। मतलब हम सोचे कि आप लोग से मिलवाएगा। हमको जिनसे मिलवाना था ना, आदित्य सर, पता है वो एकदम फटाफट से भाग गए यार। मतलब मिले भी नहीं, बोले नहीं अभी हम शेविंग वूविंग भी नहीं किए, ऐसे कैसे आप वीडियो में दिखा दीजिएगा। हमको पता है कि आप दिखा देती है। तो अभी ना हम लोग रेडी हो जाते हैं, फिर हम नीचे जाते हैं, फिर हम उनसे भी मिलवाते हैं आप लोग को। पहले तो हम फ्रेश होते हैं। तो गाइस फाइनली यहाँ पे सब लोग रेडी हो गए हैं और हम भी रेडी हो गए हैं। सबसे पहले तो हम अपना लुक दिखाते हैं, उसके बाद हम सबसे मिलवाते हैं। आज हम कुछ डिफरेंट लग रहे हैं यार। मतलब ये देखिए, हम साड़ी वाड़ी पहन करके रेडी हो गए हैं। मतलब आप लोग ऐसे हमको देखते होंगे डेली, और पता नहीं प्लेट्स बढ़िया से बनाए कि नहीं। नहीं सब सही है, थोड़ा मेरा लुक सिंपल है और सबको का साड़ी सेम है, ऐसे ही है। और सब लोग यहाँ पे रेडी हो गए हैं, हम एक एक करके सबसे मिलवाते हैं। यहाँ पे हैं, क्या नाम है आपका? अरे यार सॉरी, क्या है ना, यहाँ पे है स्वीटी जी। और स्वीटी जी कहाँ से आप? मुजफ्फरपुर से हैं। और यहाँ पे हैं खुशबू जी कहाँ से हैं? मुजफ्फरपुर से हैं। और ये हैं गुड़िया जी, आप भी मुजफ्फरपुर से हैं, है ना? और आप शिवानी जी भी मुजफ्फरपुर से हैं। मुजफ्फरपुर से है ना। तो गाइस यहाँ पे लगभग लगभग हम जिन लोग के साथ स्टे किया है रूम में, वो लोग मुजफ्फरपुर से हैं और हम अकेले झारखंडी है यहाँ पे। कोई बात नहीं, सबसे मिलके हमको बहुत अच्छा लगा। तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं नीचे हॉल में, और यहाँ पे मस्त आदित्य सर रेडी हो गए हैं और मेरा बैच लेके आ गए हैं। हेलो, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत और यहाँ पे हम लोग अपना दरवाजा बंद कर रहे हैं यार, ये लॉक नहीं हो रहा है। हो गया, खुला हुआ नहीं है। फाइनली हो गया, लगा दीजिए ना सबका बैच। वही तो लगना है, छीन लेंगे ना। चलिए बोली थी स्वेटर पहन लो, इस टाइम मत लीजिए। हम भी नहीं, फुल स्लीव्स वाला नहीं लग रहा है। आप शॉल नहीं लिए? शॉल ना लिए ना दिए, बोला था कि नहीं लेना, रूम में ही रख दी। अच्छा नहीं, आने के रूम में। अच्छा याद से ले आइएगा, नहीं तो टूट जाएगा यार। तो गाइस फंक्शन होने वाला है इस हॉल में, और यहाँ पे सब लोग भरे हुए यार, स्टेज वगैरह। ये रहा सामने, वीणा दी स्टेज पे हैं, ये देखिए सामने में वीणा दी हैं, और यहीं पे सब लोग आएंगे। हाँ जहाँ बोलिए। और यहाँ पे सब लोग हैं, बहुत अच्छे से सारा कुछ हुआ है, सारा तैयारी हुआ है। गुड मॉर्निंग ऑल मेंबर्स, छोड़ दो। गुड मॉर्निंग। राष्ट्रीय पद से हटने के बाद राजनीतिक में कदम रखने का नया रूप है इनका।
ये तभी संभव है जब हम पूरे अपने इच्छा शक्ति से, दिल से, दिमाग से, निस्वार्थ भाव से अगर हम सेवा में लगे रहेंगे तो डेफिनेटली दुनिया हिंदुस्तान की दुनिया में हम फैलेंगे। लेकिन मैं देखा हूँ कि इतने दिन, तमाम दिनों में बहुत सारे गलत लोग भी हमारे संस्था से जुड़ गए थे, जिसके कारण बहुत बदनामी भी हुई। तो अब मैं कार्यकारिणी समिति से बस यही अनुभव रिक्वेस्ट करूंगा कि अब किसी को भी मेंबरशिप लेने के बनाने मेंबर बनाने के पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल हो, वो कितना सामाजिक है, कितना अच्छा आदमी है, ये उसके क्वालिटी के, उसके व्यक्तित्व को ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो बस आगे हम कभी स्मूथ रहेंगे नहीं तो गंदे लोग गलत रास्ते पे चली जा रही हैं और फिर बाद में थाना पुलिस दौड़ते रहती है। तो हम लोग चाहते हैं कि उन लोगों को जागरूक करें ताकि वो गलत ना हो उनके साथ में। फिर हम चाहते हैं कि मेरे क्षेत्र में शिक्षा की कमी है, उस शिक्षा पे हम लोग काम करते हैं ये। और ऐसा तो बहुत सारा है उदाहरण। वीना मैम ने एक नया जीवन मुझे दिया और उसके बाद जीवन बदल गया। तो गाइस अभी ना अंदर में जो सारा कुछ हो रहा है, मतलब जिस जिस स्टेट में जो जो भी काम हुआ है वो सारा जो स्टेट की अध्यक्ष है वो स्टेज पे जा करके और सारा कुछ सारा अपना वर्क का प्रेजेंटेशन वो बता रही है स्टेज पे। और भीड़ तो देख ही रहे हैं आप लोग, हम यहाँ पे कॉफ़ी पीने आ गए पीछे में, ये रहा मेरा कॉफ़ी। और जब यहाँ पे गेस्ट आ जाएंगे उसके बाद जो शपथ ग्रहण का जो मेरे लिए है वो होगा। आदित्य सर कहाँ है? एक मिनट, आदित्य सर कहाँ है? बिना कूपन, बिना कूपन का नो एंट्री। कूपन सर के पास ही है। आज एक मिनट, हम लोग लेकर के आ रहे हैं। एक मिनट दीदी, कहाँ है आदित्य सर? दोनों शिवानी है ना। तो गाइस अभी आ गए खाना खाने के लिए और खाना में पता है खाना का ना बहुत बढ़िया है सारा चीज खाना में। ये देखिए पनीर है, रायता है, मंचूरियन है और फ्राइड राइस है, सैलेड है, सब कुछ है। और खाने के लिए भीड़ तो इस रूम में एकदम लगा हुआ है। जितनी भी मतलब वर्किंग वुमेन है ना, जो भी मेंबर हैं सबके लिए है ये। और इसके लिए सब लोग पे भी किए हैं भाई, हाँ, यहाँ स्टे करने का या फिर सब चीज़ का। एक यहाँ दे दीजिएगा दीदी। तो अभी पहले फटाफट से खा लेते हैं, उसके बाद आने वाला है खान सर। उसके बाद गईस बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना हुआ, तो बैठ करके थोड़ा बातचीत भी हो रहा था क्योंकि हर स्टेट के लोग थे यहाँ पे। तो अच्छा लगा सबसे मिलके। और इस लंच के बाद हॉल में आने वाले थे खान सर, मनीष कश्यप सर, तो वो लोग से भी मिलना था। तो ओवरऑल सारा कुछ बहुत बढ़िया था। और आई होप ये छोटा सा वीडियो आप इंजॉय किए होंगे, पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हम कैसे लग रहे थे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सबसे बेस्ट पार्ट, आपको इस वीडियो में क्या लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी अपलोड करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।